दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चाइना से चलकर दुनिया में कैसे फैला डेंजरस कोरोना वायरस, जिसका खतरा इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरब सहित कई देशों में फैलता जा रहा है। इसके साथ पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस ने अपना कब्जा कर लिया है। अब भारत में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली समेत मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद समेत कई हवाई अड्डों पर थर्मा स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है। यानी पूरी दुनिया पर इस समय कोरोना वायरस छाया हुआ है। चीन और हांगकांग से लौटे लोगों की जांच की जा रही है। विमान में चढ़ने से पहले सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म भरना पड़ता है। अमेरिका में भी इस वायरस का मामला सामने आया है। ये कोरोना वायरस दिसंबर में पकड़ में आया था, लेकिन अब ये चीन की सीमा पार करके सभी देशों में फैल रहा है और पूरी दुनिया पर इसका खतरा मंडरा रहा है। ना ही इसका कोई इलाज है। ये बीमारी कैंसर से भी भयंकर हो सकती है। कई देशों में इसका खतरा फैल चुका है और जगह जगह पर इसका खतरा फैलता जा रहा है। सरकारें अलर्ट हो रही है, साथ में स्वास्थ्य केंद्र जो आप सभी के हैं पूरी तरीके से निगरानी पर हैं। लोगों की जांच हो रही है और जोर शोर से इलाज खोजा जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी इलाज मिल नहीं रहा है। पूरा मामला आइए जानते हैं क्या है और कहां से ये वायरस फैला है, इसको हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और भारत पर इसका खतरा कब तक आने की उम्मीद है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है, दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहाँ से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस इंसानों में पहुँचने पर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और लेकिन अलग अलग कंपनियाँ, अलग अलग मीडिया सोर्स अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इसे लेकर अगर दावे दिखे जाएँ बड़े बड़े, तो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि 2019 दिसंबर माह में कोरोना वायरस चीन के नॉनवेज मार्केट से पैदा हुआ था। वहां बेचे गए जंगली जानवरों में ये वायरस था और नॉनवेज खाने वालों तक पहुंच गया। धीरे धीरे ये सारी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाए, ये जो कोरोना वायरस है ये सबसे पहले चीन में एक नॉनवेज मार्केट में आया, जो कि किसी सांप या फिर बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं जहां पर ये बताया जाता है कि ये सांप से वायरस आया है, कोई बता रहा है ये इस कीड़े से वायरस आया है, कोई बता रहा है मेढक से आया है, तो अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन सभी मीडिया रिपोर्ट्स अपने अपने दावे पेश कर रही हैं और कोरोना वायरस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन के पड़ोसी देश सिंगापुर किसे छोटे वियतनाम तक पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका सहित कई देशों पर इसने अपना कब्जा कर लिया है और इंग्लैंड में भी ये फैल चुका है और पूरी जगह पर, हर एक जगह पर कोरोना वायरस की चर्चा बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। और इसके लक्षण क्या है? सिर्फ एक आसान सा लक्षण है, जुकाम, बुखार, खांसी आती है, उसके बाद ये कोरोना वायरस तुरंत आपके ऊपर हावी हो जाता है और इससे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो लगभग आप समझ लीजिए 50% लोग इसमें ख़त्म हो रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है। कोरोना वायरस बहुत ही डेंजरस वायरस चला है जो आप सभी को बेहद ही परेशान कर रहा है। अभी इसका खतरा जो है भारत में पूरी तरीके से नहीं देखा गया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर इसका कोई सुधार या फिर इलाज नहीं देखा जाता है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी देशों में इसका खतरा देखने को मिल सकता है।